हम कुदरती वसाइल का बेदरग इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ महदूद हैं और कुछ काबिल तशदीद, मगर हमारी रफ्तार बहुत ज़्यादा है। हम सब्ज मकानी गैसों का ज़बरदस्त इखराज कर रहे हैं, इसका 70% हिस्सा शहरों से खारिज होता है। डच दारुल हुकूमत एम्स्टरडम 2050 तक सर्कुलर इकोनॉमी की तख्लीक की राह पर गामजन है। इनमें नए खाम माल के इस्तेमाल पर रोक, अशिया के ज़िया का खात्मा और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा दोबारा इस्तेमाल करना शामिल है ताकि मुज़र गैसों का इखराज कम हो। शहर का निकासी आपका महकमा हर बरस मुख्तलिफ नहरों में तैरता तकरीबन 42 टन प्लास्टिक चुनता है, शायद इससे कहीं ज़्यादा समंदर में जा मिलता है। हम जानते हैं कि समुद्रों में मौजूद प्लास्टिक का 2/3 दरियाओं के जरिए समुद्र में पहुंचता है, यानी गलियों में मौजूद ज्यादातर कचरा दरियाओं में पहुंच जाता है, फिर जाहिर है ये दरिया इसे समुद्र में ले जाते हैं। ये एक तरह से प्लास्टिक की आलूदगी का निज़ाम है, इसीलिए हम इसे यहीं रोकना चाहते हैं। आने मारिये के एविलेंस ने जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल ग्रेट बबल बैरियर नामी कंपनी शुरू की। ये टेक्नोलॉजी काम कुछ इस तरह करती है, पानी के रास्तों पर ये ट्यूब बिछाती जाती है, सुराखों से हवा खारिज होती है, बुलबुले कचरे को पानी की सतह पर और फिर किनारे की तरफ ले आते हैं, यहाँ इस कचरे को पानी से निकाला जाता है। तजुर्बात बताते हैं कि इस तरह पानी में मौजूद करीब 86% कचरा जमा किया जा सकता है। नीदरलैंड में साइंसदानों ने गंदे पानी की सफाई का एक नया निज़ाम तख्लीक किया है। इसका आखिरी प्रोडक्ट काउमेरा नामी सियाल मादा है, जो बेहतरीन ग्लू या जोड़ने वाला मादा है और तामीराती सनत में कारामद भी। अगर आप एक सर्कुलर सोसाइटी चाहते हैं तो इसके लिए हमें कचरे और गंदे पानी के ज़िया के तमाम रास्तों को बंद करना होगा। अब हो ये रहा है कि इसके आखिर में अगर बायोगैस पैदा होती है तो वो एक कम कीमत एप्लीकेशन है, लेकिन काउमारा की पैदावार यानी ये ग्लू हम हाई वैल्यू एप्लीकेशन के तौर पर ले सकते हैं। हम चाहते हैं कि आखिर में हमें शहर के गंदे पानी से ज़्यादा मांग वाला तामीराती मवाद मिल जाए तो हम अपने शहर में इस्तेमाल कर सकें। म्यारी सनती ग्लू तेल से तैयार होते हैं और माहौल के लिए अच्छे नहीं होते। इस नए तरीक़ाकार में बैक्टीरिया गंदे पानी को साफ करते हैं। काउमेरा इस अमल का साइड प्रोडक्ट है। एक प्लांट से सालाना 800 टन काउमेरा तैयार किया जा सकता है। इस लेबॉरेटरी में महक्कीन बायोग्रेड मवाद की तैयारी पर काम कर रहे हैं। काउमेरा को रिसाइकल्ड टॉयलेट पेपर, आड़ू की छाल और पिस्ते के खोलों के साथ मिलाते हैं। अब तक ये इससे रोड साइंस और तामीराती मवाद बना पाए हैं। ये 80% नामियाती मवाद से तैयार करता है। मजीद तहकीक की जरूरत है ताकि काउमेरा और टॉयलेट पेपर से तैयार करता ये नया मवाद मार्केट में पहुंच सके, लेकिन राह वाज़े है। मिसाल के तौर पर ये मवाद ट्रॉपिकल लकड़ी से बेहतर है, फिर एलुमिनियम जिसकी बड़ी मार्केट है, मगर एलुमिनियम बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का बायस बनती है। इस मवाद की अच्छी बात यह है कि आप इसकी मैकेनिकल खसूसियात दबा सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का बायस बनने वाली खसूसियात भी। अब कीमत एक चैलेंज होगी, मेरे ख्याल में अगले 10 बरस में एलुमिनियम की जगह काउमारा ले लेगा। नामियाती मवाद की रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग और तामीराती फुजला पैसे का खेल बन सकते हैं। यकीनन ये माहौल के लिए बहुत अच्छा होगा। एम्स्टरडम गुज़िश्ता कई दहाइयों से रिसाइकलिंग के लिए मशहूर है, ताहम अभी सर्कुलर इकॉनमी तक पहुंचने के लिए एक तवील सफ़र बाकी है।